मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना कर्फ्यू लागू करने के परिणाम स्वरूप संक्रमण की दर में कमी आई है। संक्रमण को नियंत्रित करने में जनता के लिए जनता द्वारा मॉडल प्रदेश की अलग पहचान बना है, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना है। कोरोना कर्फ्यू अभी लागू है, लेकिन यह अनंत काल तक लागू नहीं रह सकता है। हमने तय किया है कि 1 जून से धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां खोलेंगे। कोरोना का वायरस रहेगा, अतः अभी पूरी सावधानी से गतिविधियों का संचालन जरूरी है। भीड़, मेले, ठेलों आयोजनों से अभी बचना होगा। अगर हमने ये नहीं किया तो संक्रमण को बढ़ने में देर नहीं लगेगी और हम पुनः संकट में फंस जाएंगे। अभी लंबा रास्ता तय करना है। कोरोना कर्फ्यू लागू है, लेकिन यह कर्फ्यू अनंत काल तक नहीं रह सकता। हमने तय किया है 1 जून से धीरे धीरे हम आर्थिक गतिविधियां खोलेंगे, शुरू करेंगे, क्योंकि दुनिया भी तो हमें चलानी है और कोरोना का वायरस रहेगा, इसलिए वायरस के रहते हुए दुनिया चलानी है। लेकिन सावधान, अगर असावधान रहे, अचानक निकल पड़े, भीड़ इकट्ठी होने लगी, मेला ठेला शुरू हो गए, आयोजन प्रारंभ हो गए, तो संक्रमण को बढ़ते देर नहीं लगेगी, हम फिर से संकट में फंस जाएंगे।